तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वरजातिया में। और आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री इन वन शॉट पार्ट टू। पार्ट वन सिर्फ एड्सॉर्प्शन पे था, पार्ट टू आपका सारा का सारा कोलाइड्स और कैटलिस्ट पे जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैं सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। कोलाइड्स, तो देखो हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपको पता चले कि यार कोलाइड्स का जीवन में मतलब क्या है। सो फर्स्ट स्टडिंग इज इंट्रोडक्शन टू कोलाइड्स। देखो बच्चों, आप लोगों का भले ये वीडियो वन शॉट करके है लेकिन इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने वन शॉट जैसा रखा नहीं है। हर चीज आप एनसीईआरटी मैच कर लेना, एकदम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करी है। तो आप जब ये देख लेंगे ना दोनों पार्ट्स, सरफेस केमिस्ट्री 100% कंप्लीट है आपका, पक्का, कोई टेंशन नहीं लेनी। इंट्रोडक्शन टू कोलाइड्स में आपको मैं बताता हूं कि एक साइंटिस्ट था थॉमस ग्रहम करके, ठीक है। थॉमस ग्रहम ने ये कहा कि जो आपका सब्सटेंस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है टू क्लास में, ए नोन एज कोलाइड्स, बी नोन एज क्रिस्टलॉइड्स। बट ऑन व्हाट बेसिस ही हैज डिवाइडेड द सब्सटेंस इन दीज टू क्लासेस? ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजन। इन भाई साहब का कहने का या मानना था कि वो सब्सटेंस जो फिल्टर पेपर से या पार्चमेंट पेपर से या एनिमल मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाए वो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, और जो ना पास हो पाए वो कोलाइड्स होते हैं। ऐसा थॉमस ग्रहम का मानना था कि सब्सटेंस को सिर्फ दो टाइप्स में ही क्लासिफाइड किया जाता है। लेकिन बहुत जल्द इसकी ये थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया गया और पता चला कि बेसिकली में सब्सटेंस को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला, इट्स ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड, आप कोलाइडल सब्सटेंस ले सकते हैं या कोलाइड्स ले सकते हैं। और थर्ड, इट इज सस्पेंशन। तो इनके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। आप लोग भी इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो बेसिकली सब्सटेंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। व्हाट थॉमस ग्रहम हैज कंक्लूडेड इज कि सब्सटेंस को सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड्स, ठीक है। ये थ्योरी एक तरीके से और तरीके से भी गलत प्रूफ हुई। किस तरह से? कि NaCl है, NaCl को तुम अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा? घुल जाएगा, आयनिक आयनिक, लाइक डिजोल्व लाइक्स। तो NaCl वाटर में जब हम डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या वाटर में डाल रहे हैं तो इट इज बिहेविंग एज अ क्रिस्टलॉइड। लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर हम NaCl को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन आयनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में डाल दें तो फिर क्या होगा? क्या डिजॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बेंजीन। तो बेटा NaCl उस केस में कोलाइड की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि एक ही चीज एक ही समय पे क्रिस्टलॉइड की तरह भी एक्ट कर सकती है, कोलाइड की तरह भी एक्ट कर सकती है। ये निर्भर करता है कि उसका सॉल्वेंट क्या है, किस माध्यम में वो डूबने जा रहा है, व्हाट इज द इंट्रैक्शन इन द डिस्पर्शन मीडियम। अभी जो वर्ड मैंने फेंका तुम्हारे आगे डिस्पर्शन मीडियम, ये अब आने वाला है, ये क्या होता है जानिएगा। डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट इन किस भाषा में, किस भाषा में? कोलाइड सॉल्यूशन की भाषा में। और सॉल्यूट होगा डिस्पर्स फेस, अभी बताऊंगा उसको मैं। तो थॉमस ग्रहम गलत साबित हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो अब आप लोग क्या करने वाले हो, पानी के अंदर डालने वाले हो शक्कर,
तो सुर 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 घुल जा रही है, वाह क्या बेहतरीन। लेकिन अगर यही पानी में अगर आप मिट्टी डालते हैं और उसको कुर 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 एक चम्मच मिट्टी अगर घुमाते हैं तो क्या वो घुलती है? नहीं घुलती, उसके पार्टिकल्स एकदम वाटर को मडी कर देते हैं, यानी कि वाटर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट दिखने लगता है। और यहीं पे अगर आप स्टीरिंग करना बंद कर देते हैं तो मड के पार्टिकल्स थोड़े टाइम बाद बैठने लगते हैं, है ना। यानी कि मैं यहां से आपको तीन चीजों पे लेकर आना चाहता हूं, दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। जो तुमने शक्कर पानी के अंदर डाली थी और वो तुरंत घुल गई थी और होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया था, दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन। और जो मड थी जब तक तुम उसको स्टीयर कर रहे थे, घोलने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वो ट्रांसलूसेंट थी और वो कोलाइडल फॉर्मेशन में थी या कोलाइड्स के फॉर्म में थी। और जब तुमने उसको स्टीयर करना बंद कर दिया और वो नीचे मट्टी की तरह एकदम बैठ गई, वो आपका सस्पेंशन हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन में बहुत कम होते हैं और कोलाइड्स में थोड़े से बड़े होते हैं और सस्पेंशन में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, समझे। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बिहाफ में मैं इनका डिफरेंस बता रहा हूं। जैसे नेचर की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, इट फॉर्म्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। बाकी अगर हम लोग कोलाइड्स और सस्पेंशन की बात करते हैं तो इट फॉर्म्स हेट्रोजीनियस, घुल नहीं रहा था और ये तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। दूसरी बात करते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन, दैट इज द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा जब किसी आंसर में आप एग्जैक्ट पार्टिकल साइज लिखकर आएंगे। इसका पार्टिकल साइज हमेशा लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलाइड्स की जो रेंज होती है पार्टिकल साइज की, वो होती है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन की हमेशा मोर देन 1 नैनोमीटर। कमिंग ऑन टू फिल्टर एबिलिटी, मतलब फिल्टर पार्चमेंट पेपर्स में एनिमल मेम्ब्रेन से ये क्या डिफ्यूज हो पाएंगे, फिल्टर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। ये एम लिखा है शॉर्ट में, जगह नहीं है, एनिमल मेम्ब्रेन। और वहीं पे हम कोलाइड्स की बात करें, इट कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। सस्पेंशन किसी से पास नहीं होगा, इट कैन नॉट पास थ्रू। इसका पार्टिकल का साइज यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका थोड़ा सा बड़ा है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाता है, एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता। ट्रू सॉल्यूशन का दोनों से हो जाएगा। सेटलिंग की बात करते हैं, सेटलिंग मतलब जब आप उसको घोलना चाह रहे हैं तो कितनी देर में वो चीज सेटल हो रही है। तो ट्रू सॉल्यूशन तो पूरा घुल जाता है ना, तो ये लिखेंगे इट डू नॉट सेटल, ठीक है। सिमिलरली कोलाइड्स में भी इट डू नॉट सेटल, लेकिन सस्पेंशन के केस में हम लिखेंगे इट सेटल ऑन स्टैंडिंग। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन मतलब उसके पार्टिकल्स कितनी जल्दी डिफ्यूज हो सकते हैं, तो चूंकि इसके बहुत छोटे होते हैं इट डिफ्यूजेस क्विकली। It diffuses slowly and it does not diffuses.
अपीयरेंस की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नेचर का है या ट्रांसपेरेंट दिखता है, जैसे आपने चीनी को पानी में घोला तो पूरा घुल गया, ट्रांसपेरेंट एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिखाई दिया। लेकिन आप कोलाइड्स यानी कि मिट्टी को घोल रहे हैं तो एकदम सॉल्यूशन आपको ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा। एक क्लियर बीकर लीजिए, उसमें हल्का सा मडी वाटर डालिए तो उसके आर पार जब आप देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वो मड एकदम नीचे बैठ गई, अब उसके आर पार देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखाई देगा, ओपेक। तो ये हो गया ट्रांस लूसेंट और ये हो गया ओपेक। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कोलाइड्स, ठीक है। ये रहा आपका पूरा चार्ट और ये रहा आपका पूरा इंट्रोडक्शन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, तो इतनी बड़ी बात आपने 10 मिनट तक की कर दी और आप आखिरी में कह रहे हैं कि कुछ नहीं पूछा गया। तो ये क्या है, ये जो मैं नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं ना कोलाइड, उसका माहौल बनाना पड़ेगा ना पहले कि माहौल। तो माहौल बनाने में 10 मिनट लग गए बच्चों। You should know that what is collide. So this is a true picture. Have a note of it and let's proceed forward. Now students, talking about the classification of the collides. So collides have been classified basically into the three categories. अब इन तीन के अंदर भी further classification होंगे। पहला है based on the physical state. Physical state से लेने का मतलब है आपका solid, liquid, gas. Of dispersed phase and dispersion medium. Now these two words have came. इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में अगर मैं इसको कहूं तो ये solute को relate करेगा और dispersion medium solvent को relate करेगा. Basically जो तुम्हारा collide है वो या उसके अंदर, ये कह सकते हैं इसके अंदर दो तरीके की चीजें होती है, एक dispersed phase, एक dispersion medium. इन दोनों को मिलाते हैं तो collidal solution बनता है। यहां पे इस कैटेगरी के अंदर आप एक वर्ड पढ़ने वाले हो, सॉल। सॉल बेसिकली क्या है? स्वैग वर्ड है, है ना? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो सॉल का मतलब है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सॉल। सो व्हेन डिस्पर्स्ड फेस हैज बीन मिक्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम इट विल फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन, नहीं सॉल शॉर्ट में बोलने का। नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है? तो बेटा इस पर बेस्ड दो क्लासिफिकेशन है फर्दर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इनके बीच में डिफरेंस काफी पूछा जाता है, दैट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। क्या होता है अभी जल्द पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेस। टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेस, इसके अंदर फर्दर तीन होते हैं। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स और एक होता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। चार्ट बनाने से काफी चीजें क्लियर रहती हैं, याद करने में आपके दिमाग में एक शॉर्ट फॉर्म में पिक्चराइजेशन रहती है कि हमने कोलाइड्स के अंदर तीन कैटेगरी पढ़ी थी और वो तीन फर्दर इस तरह से सब डिवाइडेड थी। पहले मैं सॉलिड लिक्विड गैस को लेकर मैं एक टेबल बनाने वाला हूं अभी। दूसरे में लायोफिबिक और लायोफोबिक के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तीसरा है मल्टी मैक्रो एसोसिएटेड, इन तीनों की डेफिनेशन अलग अलग पूछी जा सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो आइए इन पर डिस्कस करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो बच्चों पहली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, यानी कि आप लोग क्या करने वाले हो, एक बार डिस्पर्स फेस सॉलिड लेने वाले हो, एक बार डिस्पर्स फेस लिक्विड लेने वाले हो, एक बार डिस्पर्स फेस गैस लेने वाले हो, फिर उस डिस्पर्स फेस सॉलिड को सॉलिड में डालने वाले हो, फिर लिक्विड में डालने वाले हो, फिर गैस में डालने वाले हो। तो एक फिजिकल स्टेट के तीन केस बनेंगे। पहली बार आपने सॉलिड को सॉलिड में डाला, फिर सॉलिड को लिक्विड में डाला, फिर सॉलिड को गैस में डाला, उसी हिसाब से फिर लिक्विड को सॉलिड में डाला, लिक्विड में डाला, गैस में डाला, फिर गैस को सॉलिड में डाला, फिर गैस को लिक्विड में डाला, फिर गैस को गैस में डाला। इस तरीके के 9 केसेस, 9 प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं। तो बेटा याद रखना
ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम, एक कोलाइडल सिस्टम मिलेगा। वो कोलाइडल सिस्टम का नाम क्या होगा वो आपको याद रखना है। जब भी डिस्पर्शन मीडियम गैस हो, हमेशा याद रखना उसका नाम होता है एरोसोल। क्या नाम होता है? एरोसोल। तो सॉलिड सॉलिड मिलकर क्या बना सकता है? सॉलिड सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म सॉल। तो सॉलिड एज अ डिस्पर्स फेस, सॉलिड एज अ डिस्पर्शन मीडियम विल गिव यू अ सॉलिड सॉल। एक मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ सकता है कि जब डिस्पर्स फेस आपका सॉलिड है, जब डिस्पर्शन मीडियम आपका लिक्विड है, तो आपको क्या मिलता है? चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो आंसर होगा सिंपल, सॉल्यूशन सॉल। या एग्जाम्पल के तौर पे आ सकता है क्वेश्चन एक नंबर पे, उससे ज्यादा नहीं उम्मीद रख सकते बेटा इस टेबल से। तो इस टेबल को एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, या अगर हम ही को दो मिनट और सुन लोगे तो याद हो जाएगा। तो सॉलिड सॉलिड मिलकर सॉलिड सॉल बनाएंगे, सॉलिड लिक्विड मिलकर सिर्फ सॉल बनाएंगे, और सॉलिड को अगर गैस में डाल दिया, कोई भी चीज अगर गैस में डाल रहे हो तो वो तो एरोसॉल बनाएगा। चाहे तुम सॉलिड को गैस में डालो तब भी एरोसॉल है, अगर तुम लिक्विड को गैस में डालोगे तब भी एरोसॉल है। इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज गैस देन इट विल ऑलवेज फॉर्म द कोलाइडल सिस्टम व्हिच इज नोन एज एरोसॉल। एग्जांपल्स यार एक दो बार देख लेना। सॉलिड सॉल का जेमस्टोन है, लिक्विड और सॉलिड का मडी वाटर है, एरोसॉल का स्मोक डस्ट है। कमिंग ऑन टू लिक्विड सॉलिड, इट फॉर्म्स जेल, लिक्विड लिक्विड इमल्शन। ये सबसे ज्यादा पूछा गया है ना, इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। इमल्जन, दूध, मिल्क, है ना, बूस्ट इज द पावर ऑफ आर एनर्जी। तो मिल्क क्या है? एक इमल्जन है। किसका इमल्जन है? लिक्विड एज डिस्पर्स फेज एंड लिक्विड एज अ डिस्पर्जन मीडियम, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट आता है लिक्विड गैस, एरोसोल, फॉग मिस्ट। अब उसी तरीके से तीन केसेस गैस के बनेंगे, और गैस के जो तीन केसेस हैं उसमें पहले गैस को अगर सॉलिड में डालते हैं तो सॉलिड फोम बनता है, लिक्विड में डालते हैं तो सिर्फ फोम बनता है। और गैस गैस में मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि बेटा दो चीजें, अगर गैस गैस के, यानी कि डिस्पर्स फेज भी गैस का है, डिस्पर्जन मीडियम भी गैस का है, तो दे डू नॉट फॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दे फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। और चूंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं इसलिए वो कोलाइडल बनाने के काबिल नहीं है। भाई अभी आपने एक ऊपर देखो अपने नोट्स में एक टेबल बनाया है ना, कोलाइडल की कैटेगरी में क्या डाला है, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है वो। और अगर यदि कोई चीज होमोजीनियस मिक्सचर बना रही है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहलाई जाएगी। फॉर एग्जांपल गैस गैस, सिंस दे डिफ्यूज, सिंस दे आर मिसिबल विद ईच अदर परफेक्टली, दे फॉर्म्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, दे डू नॉट फॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दैट्स व्हाई वी से दैट इट विल नॉट फॉर्म और एलिजिबल फॉर्म कोलाइडल सिस्टम। तो यहां पर ये दो केसेस हैं, गैस के लिए दो केसेस हैं, एक सॉलिड लिक्विड। सॉलिड में सॉलिड फोम बनाता है, लिक्विड में फोम बनाता है। एग्जांपल फोम रबर इसके लिए, और इसके लिए फ्रॉथ, झाग, व्हिप्ड क्रीम, सीसीडी, बेरिस्टा, पी होगी, है ना। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के बीच में क्या डिफरेंस। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, the colloids are classified into two types. One is the lyophilic and another is lyophobic. मतलब क्या है? लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। लायो मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो जो लिक्विड से करे प्यार, लिक्विड मतलब यहां पर डिस्पर्शन मीडियम को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो जो डिस्पर्शन मीडियम यानी कि लिक्विड से करे प्यार वो होगा लायोफिलिक कोलाइड्स। और फोबिक मतलब फोबिया होना, हेट करना। तो जो लिक्विड से करे हेट, दैट आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइड्स। यानी कि ये डिस्पर्शन मीडियम के अंदर अच्छे से घुलना पसंद नहीं करते। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक की एक तो उनके नाम से ही डिफरेंस पता चल गया कि लायोफिलिक कोलाइड्स आर दोज विच loves or you can say which are quite stable or you can say which can easily dissolve in the dispersion medium, whereas lyophobic does not dissolve or not stable in the dispersion medium. चूंकि ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लिक्विड से तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होंगे, और चूंकि ये नहीं करते तो ये हाइड्रेटेड नहीं होंगे। तो नाम से ही एक दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ गया। क्योंकि देखो पेपर में अगर डिफरेंस पूछेगा तो यार तीन से चार वैलिड पॉइंट्स लिखने जरूरी है ना। तो
अब ये तो है नहीं कि इसका इस सिर्फ मतलब लिखाओगे तो तुम सोचोगे इसका हम टीचर नंबर देगा तुम्हें, ना ना ऐसा नहीं होता। तो एक हो गया लिक्विड लविंग या लिक्विड हेटिंग या डिस्पर्जन मीडियम से जो हेट करे, और एक हो गया दे आर हाईली हाइड्रेटेड एंड दे आर नॉट मच हाईली हाइड्रेटेड, तो इनको एक ही गिनती में गिन लिया जाएगा। नेक्स्ट, दे आर प्रिपेयर्ड इजिली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग विद द लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम, मतलब आपने ऊपर से कोई चीज डाली, डिस्पर्जन मीडियम से इसने प्यार करता है, प्यार दिखाया और आसानी से कोलाइडर सोल्यूशन बन गया। यानी कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, अगर इन दोनों के बीच में प्यार है तुरंत मिलकर अपनी दुनिया बसा लेंगे, दैट इज द लायोफिलिक, प्यार मोहब्बत में विश्वास रखते हैं। लायोफोबिक, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली, हाँ ना, दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स ओनली, दे आर क्वाइट स्टेबल एंड आर नॉट इजिली प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड। ये देखो जो वर्ड लिखा है ना मैंने, प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड एक ही मतलब है, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, मतलब खुद से अलग की दुनिया नहीं बनाते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेसिपिटेट तो देखा ही होगा लैब के अंदर, तो वो क्या है प्रेसिपिटेट, क्या होता है अलग सी दुनिया बनाकर नीचे सेटल डाउन हो जाता है बेचारा, लेकिन अपना लायोफिलिक कोलाइड में कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं बनता, वो तो डिस्पर्जन मीडियम के साथ आराम से जातों की झप्पी मार के घुलना पसंद करता है। लेकिन वहां पर दूसरी ओर ये लोग प्रेसिपिटेट बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिस्पर्जन मीडियम से हेट करते हैं, कहते हैं बस हम तुमसे काहे को बात करें, हम तुमको काहे को जादू की छप्पी दें, हम अपना खुद के एक दुनिया बनाएंगे। तो दे आर इजिली प्रेसिपिटेटेड, लेकिन इनको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। अब ये स्टेटमेंट आपको बेटा आगे चल के समझ में आएगा, हर चीज अगर हम यहां पर डाल देंगे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। तो यहां पर इतना वर्ड तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ये फिलहाल अभी के लिए रट लो, समझने के लिए वीडियो को आगे देख लेना। तो आइए एक बार चारों पॉइंट्स फिर से देख लें ताकि आपको याद हो जाए, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, बच्चे को समझने के साथ साथ याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज मोर ऑफ यू नो मेमोरी बेस्ड चैप्टर। तो लिक्विड लविंग, लिक्विड हेटिंग या डिस्पर्स फेस लविंग या डिस्पर्जन मीडियम लविंग या डिस्पर्जन मीडियम हेटिंग, और दे आर हाईली हाइड्रेटेड, दे आर नॉट मच हाईली हाइड्रेटेड, दे आर इजिली प्रिपेयर बाय डायरेक्ट मिक्सिंग विद द लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली, दे आर प्रिपेयर बाय स्पेशल मेथड्स ओनली। ऐसा लग रहा है जैसे हम 2x में बोल रहे हैं, है ना, कभी कभार हम भी अपनी वीडियो को जब दोबारा शूट करने के बाद देखते हैं तो कभी कभार हम भी 1.75x या 2x चला देते हैं। अच्छा, जब आप शूट करते हो तो आपको नहीं पता चलता कि आप कभी इतना धीरे बोल रहे हो या तेज बोल रहे हो, आप अपनी नॉर्मल टीचिंग पे होते हो, है ना, लेकिन जब वीडियो शूट हो जाती है तो पता चलता है कि यार कभी कभार लगता है कंसेप्ट जो है फटाफट समझे, तो हम क्या करते हैं 2x दबा देते हैं। तो अभी हमको अचानक से रियलाइज हुआ कि हम बहुत तेज तेज भाग रहे हैं, इट सीम्स कि 2x में वीडियो चल रही है, और 2x को अगर 2x में कर दोगे तो क्या पता नहीं ऐसे करके चलेगा, है ना, ठीक है, हंसी ना आई हो तो ठीक है, जबरदस्ती मत हंसो, हमने कोशिश भी नहीं करी, समझ में आई ना आया, ऐसा नहीं है। दे आर क्वाइट स्टेबल एंड आर नॉट ईजली प्रेसिपिटेटेड, दे आर ईजली प्रेसिपिटेटेड। तो ये चार पॉइंट्स आपके हो चुके हैं, एक आध पॉइंट और देखते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड में नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि लायोफिलिक रिवर्सिबल है, यानी कि मान लो अगर गलती से उसने प्रेसिपिटेट बना दिया तो हम क्या करेंगे, डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम के साथ फिर से ऐसे शेक करेंगे, आराम से फिर से घुल जाएगा वो। और अगर लायोफोबिक, आप जानते हैं वो तो ऑलरेडी यार प्यार ही नहीं करता डिस्पर्जन मीडियम से, वो तो अलग से दुनिया बनाना ही चाहता है, तो उसने अगर प्रेसिपिटेट बना लिया तो उसको वापस से कोलाइडल सॉल बनाने के लिए तुम ये नहीं कि तुम बीकर को शेक कर रहे हो और तुम सोचोगे कि वो घुल जाएगा, ऐसा ना नहीं ना होगा। इस केस में ऐसा हो सकता है अगर गलती से प्रेसिपिटेट बन जाए, वैसे तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर गलती से बन जाए तो हम क्या करेंगे, चक 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 या डिस्पर्स फेस को और डाल देंगे, फिर चक 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 यानी कि मिक्स करेंगे, अपना काम हो जाएगा। सो दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, दैट इज वंस प्रेसिपिटेटेड कैन रीफॉर्म द कोलाइडल सॉल बाय सिंपली रीमिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। यू मे नोट द एग्जांपल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, गम, प्रोटीन एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ द लायोफिलिक, एंड इन द लायोफोबिक इट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक मेटल्स एंड देयर सल्फाइड लाइक आर्सेनिक सल्फाइड। लायोफोबिक कोलाइड्स में दे आर इररिवर्सिबल इन नेचर एंड दैट इज वंस प्रेसिपिटेटेड कैन नॉट फॉर्म द कोलाइडल सॉल,
by simple addition of the dispersion medium. So this is all about lyophilic and lyophobic collides. अब अगर मान लो सिर्फ definition ही आ जाए lyophilic collide की, तो इन चार पांच points को मिलाकर लिख देना, वो आपकी definition बन जाएगी. क्यों, क्या बोलते हो, पक्का? एक बात और, इनका एक और एक बुक्स में आप देखोगे, इसका दूसरा नाम है intrinsic collides और इसका दूसरा नाम है extrinsic collides. Intrinsic collides, extrinsic collides. Coming on to the last classification of the collides is based on the type of particles of the dispersed phase. दो भागों में नहीं सॉरी तीन भागों में डिवाइडेड है, मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर एंड दी एसोसिएटेड कोलाइड्स. अब देखो, नाम से आपको ये दो डेफिनेशंस याद हो जाएंगी. इन दो डेफिनेशंस को बहुत कम पूछा गया है या थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एसोसिएटेड कोलाइड्स. एसोसिएटेड कोलाइड्स बहुत ज्यादा पूछी गई है बच्चों, ठीक है. मल्टीमोलिक्यूलर का मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूं. मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है. तो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स को आपने वापस में एग्रीगेट किया और उसको मिला दिया, और जो अब रिजल्टेंट पार्टिकल साइज आया, मॉलिक्यूल का जो साइज आया, उसकी जो रेंज है वो कोलाइडल रेंज पे लाई करेगी. इसको बोलते हैं मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइड. मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड मतलब मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, उसको तुमने तोड़ा. कितना तोड़ा? इतने छोटे हिस्सों में किया कि जिसकी जो पार्टिकल की जो साइज निकल के आएगी उसकी जो रेंज है वो कोलाइडल रेंज के अंदर होगी, यानी कि फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. तो देखो, नाम से आपको डेफिनेशन आ गई. मल्टी में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स विद लेस देन 1 नैनोमीटर, ट्रू सॉल्यूशन वाले, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपने मिलाया और उसका पार्टिकल का साइज किसके बराबर आया, कोलाइडल रेंज के बराबर आया. और मैक्रोमोलिक्यूल में भैया इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा मॉलिक्यूल आपने लिया और उसको टुकड़े किए और इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उत्पन्न हुए, कितने छोटे, कोलाइडल रेंज के जितने. ये देखिए डेफिनेशन, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स व्हेन ऑन डिस्पर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इन द डिस्पर्जन मीडियम. अब ये थोड़ी बुकिश लैंग्वेज तो आपको याद करनी पड़ेगी. अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस aggregate together to form a species having size in the colloidal range. The species thus formed are called multimolecular collides. Macro mein, when certain substances having big size molecule called macromolecules having large molecular masses are dissolved in a suitable liquid, they form a solution in which the molecules of the substance have size in the colloidal range. तो डेफिनेशन इनकी ठीक ठाक है, मतलब ये दोनों मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन देखो, हाँ तो कुछ भी सकता है ना, मैं श्योर बेट नहीं लगा सकता. लेकिन जो इसके बाद वाला है, जो तीसरा क्लासिफिकेशन है एसोसिएटेड कोलाइड्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है. एसोसिएटेड कोलाइड्स एक लास्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों. इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको आप डिस्पर्जन मीडियम में अगर कुछ अमाउंट में डाल रहे हैं, कुंचुंग वेरी लेस, तो वो स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. क्या बोला मैंने, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको आप डिस्पर्जन मीडियम में डालो लेकिन कुछ अमाउंट में डालो तो वो नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. लेकिन अगर तुमने उसकी मात्रा डिस्पर्जन मीडियम में बढ़ा दी, देन दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, यानी कि दे विल कन्वर्ट इनटू कोलाइड्स. व्हाई? Because of the aggregation of the particles. जब तुम concentration बढ़ा दोगे dispersed phase का dispersion medium में, they will start aggregating together, चिपकने लगेंगे. And this you will get the associated collides. इसको बोलते हैं associated collides. तो normal या low concentration में they behave as a normal or strong electrolytes, लेकिन at high concentration they behave as a colloidal solution. और इसी को associated collide बोलते हैं. अब ये जो पार्टिकल्स एग्रीगेट हुए थे ना आपस में, उनको यहाँ पे एक स्पेशल टर्म दिया गया है, दैट इज नोन एज मिसाइल्स. ये मिसाइल्स नाम कई बच्चों ने क्लास 10th में सोप सॉल्यूशन के दौरान पढ़ा था. जी हाँ, ये वही चीज है, RCOONA, टेल पार्ट हेड पार्ट, वही वाली बात. और ये जो मिसाइल फॉर्मेशन होती है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन पे ही होती है. तो ओवरऑल इसकी जो डेफिनेशन है, ये बोर्ड्स के रिस्पेक्ट पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के टर्म्स पे इंपॉर्टेंट है.
लिख लीजिएगा इसको, द सब्सटेंसेस विच वेन डिसॉल्व इन अ मीडियम एट लो कंसेंट्रेशन बिहेव एज अ नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बट एट हायर कंसेंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडल स्टेट प्रॉपर्टीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स एंड दीज आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स. द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिसाइल्स. द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन. एग्जाम्पल सोप सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा. अब मैं इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं तो मुझे याद आ गया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स और मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे थे या नहीं डिस्कस किए थे. तो जरा नोट्स में जरा ऊपर जाओ. मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स था ना, उसमें एग्जाम्पल लिख लो सल्फर सॉल. जो आपका सल्फर सॉल होता है वो खूब सारे S8 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है जिनके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. ठीक है, मल्टी मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे एसिड मॉलिक्यूल्स मिलकर सल्फर सॉल सल्फर सॉल्यूशन बनाते हैं. मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का एग्जांपल लिख लो जैसे प्रोटीन पॉलीमर्स टाइप प्रोटीन्स हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, है ना. दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मैक्रो, इनके मॉलिक्यूलर मासेस बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल है मल्टी मॉलिक्यूलर, ये एग्जाम्पल है तीन मैक्रो मॉलिक्यूलर, और ये दो एग्जाम्पल है एसोसिएटेड कोलाइड्स. एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन यू आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. व्हाई, अगर मान लो खुदा ना खासा आप कोई कीवर्ड छोड़ देते हो डेफिनेशन में, तो एग्जाम में अगर आपने एग्जाम्पल लिखा है तो वो उस चीज को काउंटर बैलेंस कर लेता है. तो बच्चों आगे बढ़ो. बच्चों इससे पहले कि वीडियो हो जाए बहुत ज्यादा बड़ी, तो हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, है ना. मुद्दे की बात शुरू होती है. नहीं, ऐसा नहीं, इससे पहले की मुद्दे की बात नहीं थी. 2020 में ही CBSE बोर्ड में लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया था. लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि अब ये मैं जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, इस पर बेस्ड एक्सप्लेन दी फॉलोइंग करके पक्का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिला होगा या आ सकता है. पहला टर्म लेकर आता हूँ पेप्टाइजेशन. तो पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल. बोलो मेरे संग, जय हिंद. पेप्टाइजेशन पी से स्टार्ट हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी पी से स्टार्ट हो रहा है. याद करने का तरीका, पेप्टाइजेशन क्या होता है क्या होता है क्या होता है, आसान भाषा में छोटी भाषा में, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू द कोलाइडल सॉल. अब हम एक एग्जांपल से आपको इस चीज को समझाते हैं. जैसे मान लीजिए एक बीकर के अंदर FeOH होल क्यूब का ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट पड़ा है, तो कैसे हो सकता है पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन तभी होगा जब आप ऊपर से एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे. वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, ऐसा होगा कि इन दोनों में से उसमें एक कॉमन आयन होना चाहिए. लेट्स सी फॉर एग्जांपल, यहां पर हम FeCl3 एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और इसी इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है. ठीक है, मैंने क्या किया, FeOH होल क्यूब का जो प्रेसिपिटेट था उसके ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला. वो इलेक्ट्रोलाइट का चयन करते हुए हमें इस बात का ध्यान देना है कि कोई ना कोई एक कॉमन आयन हो, या Fe हो या OH हो. इस चीज को बोलते हैं प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन. क्या मतलब होता है इसका, कि आप किसी भी प्रेसिपिटेट के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक ऐसी चीज फेंक रहे हैं या एक ऐसा डिस्पर्स फेस आप चुन रहे हैं जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम में एक आयन कॉमन हो, ताकि वो प्रिफरेंशियली एड्सॉर्ब कर सके. यानी कि जो कॉमन आयन होगा वो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एड्सॉर्ब होगा सरफेस पे. तो बच्चों क्या होगा, जब FeCl3 नाम का इलेक्ट्रोलाइट आप इस FeOH होल क्यूब के डालोगे तो Fe3+ यानी कि प्लस इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा. सिमिलरली प्लस
प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। प्रेसिपिटेट का मॉलिक्यूल होता है या पार्टिकल साइज होता है बहुत बड़ा, हमको उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। कितना छोटा पार्ट? उतना छोटा कि कोलाइडल रेंज पे आ जाए। कोलाइडल रेंज क्या होती है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो हम क्या करा, हमने इसको चार्ज्ड कर दिया। बेटा चार्ज करने से क्या होगा, ये बड़ा पार्टिकल एक दूसरे से टूटने लगेगा, बिछड़ने लगेगा, और जैसे ही टूटने लगेगा ये लोग छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएंगे। कितने छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएंगे? कोलाइडल सॉल या कोलाइडल सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज के रेंज के अंदर आ जाएंगे। सो प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल्स आर बिग इन साइज एंड दे आर न्यूट्रल। What I have made is I have added the electrolyte, जिसमें एक common ion था, ताकि preferential adsorption हो सके। जब adsorption हो गया तो हर molecule के ऊपर same तरीके के charges आ गए। जब charges आ गए तो force of repulsion act हुआ। यही main cause है peptization का। कोई आपसे पूछे what is the main cause of peptization, तो कह देना the force of repulsion। किसके बीच में? इन दोनों molecules के बीच में। कब हुआ? जब इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट मतलब पेप्टाइजिंग एजेंट। तो अब आइए इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स। तो मेन मुद्दा तो मैंने यहीं से चालू किया था, बाय शेकिंग इट विद अ डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल आपके सामने है, आराम से नोट कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, तो बोल देना फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH होल क्यूब। अब वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते थे, या कोई हम OH माइनस वाली से रिलेटेड कोई चीज डालते, जैसे KOH डाल देते तो वो OH माइनस को एड्सॉर्ब करता, तो माइनस 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 आ जाता, तब भी फोर्स ऑफ रिपल्जन लगता। मकसद है फोर्स ऑफ रिपल्जन पैदा करना, मकसद है प्रेसिपिटेट जो कि न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल है उसको चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करना। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है ताकि प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हो सके, कॉमन आयन को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर सके। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेप्टाइजेशन, प्लीज इसको नोट करिए। सो आफ्टर पेप्टाइजेशन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में ये एक छोटा सा गंदा सा डायग्राम देखिए, जिसमें मैं ये बीकर है, बीकर के अंदर मैंने भरा है पानी, और एक ये थिस्टल फनल है, और उस थिस्टल फनल को मैंने एक रेड कलर के पार्चमेंट मेम्ब्रेन या पार्चमेंट बैग से कवर कर दिया है। अब आप समझिए कि डायलिसिस प्रोसेस का मतलब क्या है। देखो बेटा डायलिसिस प्रोसेस का मतलब होता है वही किडनी वाला, अपनी जो किडनी होती है वो इम्प्योर ब्लड और ब्लड को, प्योर ब्लड को सेपरेट करने के काम आती है, और प्योर ब्लड हमारी बॉडी में वापस से सर्कुलेट होता है और एकदम बढ़िया फंक्शन करने लगता है। कभी कभार किडनी का फंक्शन अगर फेल हो जाता है तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि उसकी किडनी का डायलिसिस हो रहा है, तो वहां पर यही कांड होता है। द किडनी इज मेड टू फंक्शन प्रॉपरली सो दैट इम्प्योर ब्लड या इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड और वो बॉडी को प्योर ब्लड सर्कुलेट कर सके। तो बच्चों इसी तरह आपको याद हो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि थॉमस ग्रहम ने इस चीज को दो भागों में बांटा गया है, सब्सटेंस को, कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड्स। क्रिस्टलाइड्स वो चीजें हैं जो पास हो जाती हैं पार्चमेंट पेपर से, और कोलाइड्स वो चीज है जो सिंपल पार्चमेंट पेपर से पास नहीं हो पाती। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग द इम्प्योर सोल जिसके अंदर क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स दोनों हैं। अब हमें क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स के पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। किस सिद्धांत से? कि अगर हम उसको पार्चमेंट पेपर के ऊपर डालें तो जो क्रिस्टलाइड्स होंगे वो पास हो जाएंगे, जो कोलाइड्स होंगे वो छन्नी के ऊपर आ जाएंगे। अरे दूध मलाई नहीं छानते क्या? वही है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलाइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू अ पार्चमेंट और द एनिमल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। आपने तो सर डेफिनेशन इलेक्ट्रोडायलिसिस लिखवाई हुई है और आप डायलिसिस के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई रुक जाओ, डायलिसिस जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है।
ठीक है, क्यों स्लो प्रोसेस होता है? क्योंकि देखो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं चार्ज्ड और क्रिस्टलाइड्स होते हैं नॉट चार्ज्ड। तो कोलाइड पार्टिकल्स को हमने अगर मूव कराने की कोशिश करी, एक तरफ जाने की कोशिश करी, तो हमारा रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या सर समझे नहीं? अरे भाई हम कह रहे हैं कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड्स में कोलाइड चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कोलाइड पार्टिकल्स एक तरफ भाग जाएंगे, अपोजिट एंड एनोड में भागे या कैथोड में भागे, साले कहीं भी भागे भागेंगे, और क्रिस्टलाइट्स को वो अलग कर देंगे, क्रिस्टलाइट चुर 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 करता हुआ अलग हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब है जो डायलिसिस प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइड्स एंड क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स आर वेरी लेस। तो अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और इसी को इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं, जो कि यहां पर लिखा है मैंने, द अबव प्रोसेस कैन बी क्विकेंड इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अराउंड द मेम्ब्रेन। अब इस डायग्राम को समझिएगा, हमने क्या किया, फनल के ऊपर यहां से इम्प्योर सोल डाला, इम्प्योर सोल में क्या क्या बैठा है, इसमें कोलाइड्स भी हैं क्रिस्टलाइड्स भी हैं, ये कोलाइड पार्टिकल्स भी हैं और क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो क्या हुआ, पार्चमेंट पेपर से क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स पास हो जाएंगे और यहां पे एक नलका लगा है, नलके के थ्रू क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स एक बकेट में हम इकट्ठे कर लेंगे और सलाद में डालकर खा लेंगे। टेस्ट बताना कैसे आया, ठीक है। So as simple as that, this is the only electrolysis diagram। वाइग्राम बनाना चाहो बना लो, लेकिन ये सब पेपर में बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है ना। ये एक मार्चमेंट मेम्ब्रेन ले लिया, कोलाइड्स और क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स में से क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स पास कर जाएंगे, कोलाइड पार्टिकल्स वहीं रुक जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लगाई हुई है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल इसलिए किया हुआ है ताकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थोड़े से फास्ट हो जाए, प्रोसेस थोड़ा क्विक हो जाए। तो क्रिस्टलाइज्ड पार्टिकल्स आपके एक टब में इस तरफ से निकल रहे हैं, समझ में आ गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द सीबीएसई 2020, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जेटा पोटेंशियल। अगेन आई विल टेल यू दैट सीबीएसई 2016-2017 में भी ये पूछा गया था, इवन इन आईएससी इट हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जेटा पोटेंशियल क्या होता है। और अगर आप दो मिनट यहां पर देख लोगे ना, इधर समझे, पंकज त्रिपाठी नेक मूवमेंट है ना, तो अभी इधर फुर्सत में बैठे थे तो देख लिया हमने भी मिर्जापुर सेकंड सीजन। उसके बाद भैया मालिश वर्ल्ड से बहुत डर लगता है। चलो यहाँ पे एक बीकर है, हाँ, और बीकर में AGI पड़ा है, AGI इज अ डिस्पर्शन मीडियम, इसके अंदर पड़ा है। अब तुमने इसके ऊपर से बेटा KI डाल दिया, KI को डालने के लिए लाल कलर का पेन उठा ले जरा, हाँ, ऊपर से तुमने KI डाल दिया। अब फिर से जानबूझ के तुम एक ऐसा डिस्पर्स फेस डाल रहे हो या एक ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हो जिसमें कुछ ना कुछ एक कॉमन आयन हो, फिर से प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होगा। क्या होता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, कि कॉमन आयन इसके सर्फेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो आई माइनस नाम की चीज इस AGI के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी और ये चीज मिलकर बना देगी फिक्स्ड लेयर। अब भैया सॉल्यूशन के अंदर तो K प्लस भी तो घूम रहे होंगे ना, तो ये जो फिक्स्ड लेयर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया वो K प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन वो K प्लस क्या है, वो मूव कर रही है सी 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 पूरे माध्यम में, लेकिन आई माइनस जितने ज्यादा से ज्यादा के प्लस को अपनी तरफ अटैक कर लेगा तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन 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 ये एक अलग दुनिया बनाया हुआ है, डिफ्यूज लेयर या मूवेबल लेयर। अब बेटा नेगेटिव चार्ज एक तरफ दिखाई देगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ दिखाई देगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। धत तेरी, इतना बड़ा नाम, इतना टफ नाम, और उसका ये मतलब, हाँ जी इतना आसान मतलब,
कि एक डिस्पर्जन मीडियम ऑलरेडी है और आपने ऊपर से एक ऐसा सब्सटेंस डाला जिसके अंदर कॉमन आयन है, कॉमन आयन होने पर उसने प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन किया यानी कि कॉमन आयन को एड्सॉर्ब किया, कॉमन आयन को एड्सॉर्ब किया तो कुछ ना कुछ उस पर चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव या पॉजिटिव। अब उसके ऊपर जानबूझ कर तुम एक जो आयन डालोगे वो मूव कर रहा होगा, जब एक के आई डाला तो के आई में आई माइनस एड्सॉर्ब हो गया और के प्लस मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो आई माइनस उस के प्लस को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन है तो वो मूवेबल लेयर। तो इस तरीके की एक डबल लेयर दिखाई देगी। जिस साइंटिस्ट ने इस डबल लेयर को ऑब्जर्व किया उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये नाम है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बच्चों, दैट इज नोन एज द ज़र्रा पोटेंशियल और द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, आइए एक बार वन लाइन बाय लाइन देख लें। व्हेन वन टाइप ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इट फॉर्म्स अ फिक्स्ड लेयर, इट अट्रैक्ट्स द काउंटर आयंस यानी कि के प्लस फ्रॉम द मीडियम फॉर्मिंग अ सेकेंड लेयर यानी कि मूवेबल लेयर विच इज मोबाइल एंड इज कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। ठीक है ना, एक फिक्स्ड लेयर बन गई, एक मूवेबल लेयर बन गई। द डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, साइंटिस्ट का नाम है ये। एज अ रिजल्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर विच इज नोन एज ज़ेटा पोटेंशियल और द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्लियर? सो द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। क्या होता है इसका मतलब? जितने भी कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल्स हैं उन सब में चार्ज होता है, ये बात मैंने अभी भी बोली आपको। तो कुछ हो सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज सोर्स हो, कुछ हो सकते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज सोर्स हो। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, याद कर लोगे तो फायदा रहेगा। ठीक है, जैसे CU, AG, AU के जो मेटेलिक सोल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सल्फाइड्स, मेटेलिक सल्फाइड्स लाइक अर्सेनिक सल्फाइड इज अगेन द नेगेटिवली चार्ज सोल। स्टार्च, गम, जिलेटिन एक्सेट्रा आर द नेगेटिवली चार्ज सोल्स। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स लाइक FeOH होल क्यूब, AlO होल क्यूब, COH होल स्क्वायर एंड दी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स लाइक Al2O3.XH2O, टाइटेनियम ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होल। हर कोलाइडल सोल्यूशन में कुछ ना कुछ चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। इतने एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, फायदा मिलेगा। अब मान लो तुमको याद नहीं और हमने तुमको एक सब्सटेंस पकड़ा दिया लाइक आर्सेनिक सल्फाइड। अब तुम्हें इसका नेचर नहीं पता और मैं तुमसे कह रहा हूं बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अब तुम ऐसे सोचोगे भाई यार ये आदमी पागल है क्या है यार, है? अब जब हमको नहीं पता तो हम कैसे बता दें? तो बेटा पता कर लो, बहुत आसान तरीका है। एक यूट्यूब लो, यूट्यूब वो नहीं जो तुम अभी देख रहे हो, ऐसा यूट्यूब लो। कई का बैड जोक्स मार देते हैं ना, और उसको इलेक्ट्रोड्स अंदर कनेक्ट कर दो, इधर एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, इधर कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, बस इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दो। तो बेटा होगा क्या, तुमने इसके अंदर आर्सेनिक सल्फाइड As2S3 डाला हुआ है, तो तुम जैसे ही इलेक्ट्रोड्स लगाओगे, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे, तो व्हाट विल हैपन, दिस नेगेटिवली चार्ज सोल विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो तुमको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ये जो भी भाई, जो भी कुछ भी ले लो, हीमोग्लोबिन डाल लो, तो क्या होगा, वो किसी ना किसी साइड भागने की कोशिश करेगा। अब हीमोग्लोबिन का नेचर है पॉजिटिव चार्ज सोल, तो वो कहां भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा। अब अगर कोई चीज नेगेटिव एंड की तरफ भाग रही है, यानी कि उसका खुद का नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट है। तो इस तरीके से, इस मेथड से कोलाइडल सॉल में क्या चार्ज है आप वो निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑन द अप्लाइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको कैटाफोरेसिस क्यों कहा जाता है ये लिख लो, मैं बोल देता हूं। अर्लियर ये एज्यूम किया जाता था कि जो उनके पास कोलाइडल सॉल थे वो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज सोल्स थे और वो सारे के सारे कैथोड में जाकर मिलते थे, कैथोड, तो इसलिए कैट फोरेसिस। इस प्रोसेस को कैटाफोरेसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रीवियसली पिछले जमाने में जो भी इनको सॉल्स मिलते थे वो सारे के सारे
पॉजिटिवली चार्ज थे और वो जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते थे तो कैथोड की तरफ ही भागते थे, इसलिए नाम कैटा फोरेसिस रखा गया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार, नेगेटिव चार्ज सोर्स नाम की भी चीज होती है, तो यानी कि कोलाइड के पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए फिर प्रोसेस निकला इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, ये क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। As soon as the collateral particles reach the positively charged electrode, they get neutralized and hence coagulated. ये word note कर लो, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं। क्या कहा इस sentence ने कि H2S3 जो negatively charged है, जब anode के पास जाकर क्या करेगा भाई, neutralize ही तो होगा, और neutralize होगा तो क्या करेगा, aggregate हो जाएंगे इसके particles और it will get coagulated. And now what is coagulated? Just wait and watch for the next term. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द चार्ज, यही बात मैं अभी कर रहा हूं इतनी देर से, दैट द कोलाइडल पार्टिकल कैरीज। तो ये तीन पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और सो द नेक्स्ट टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट मीन्स द कोएगुलेशन। कोएगुलेशन वर्ड पेप्टाइजेशन जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, और अगर आप भूल गए तो जाओ फटाफट नोट्स खोलो, रिवाइज करो। पेप्टाइजेशन का एकदम उल्टा है, पेप्टाइजेशन में पी यानी कि प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करते थे, कोएगुलेशन सी से स्टार्ट होता है, तो सी से स्टार्ट होता है तुम्हारा कोलाइडल वर्ल्ड, तो यहां पे कोलाइडल सॉल्ट को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने वाले हैं बच्चों। पेप्टाइजेशन में भी ऐसे समझाया था ना कि प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करना पेप्टाइजेशन होता था, पेप्टाइजेशन का उल्टा कोएगुलेशन। कोएगुलेशन के नए दो वर्ड है या दो नाम से और जाना जाता है, फ्लॉक्यूलेशन एंड प्रेसिपिटेशन, या इट्स फ्लॉक्यूलेशन। सो कोलाइडल सॉल को देखो, सी फॉर कोएगुलेशन, सी फॉर कोलाइडल सॉल, ऐसे याद रखना। पी फॉर पेप्टाइजेशन, पी फॉर प्रेसिपिटेट, पेप्टाइजेशन आएगा तो प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल, कोएगुलेशन आएगा तो कोलाइडल सॉल टू प्रेसिपिटेट, याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर करते क्या है, यहां पर मान लीजिए आपके बीकर में नेगेटिवली चार्ज सोल पार्टिकल पड़े हैं, कौन सा, AH2S3, नेगेटिवली चार्ज सोल। अब आप ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट गिरा दो, इलेक्ट्रोलाइट का नाम है NaCl। यहां पर प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि कॉमन आयन नहीं हो, हां यह जरूरी है कि जो ये नेगेटिवली चार्ज सोल है, इलेक्ट्रोलाइट के बट ऑब्वियस की बात है, अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ एड्सॉर्ब करेगा। जरूरी नहीं है यहां पे कि वो कॉमन आयन नहीं हो, यहां पे जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि अगर यह नेगेटिवली चार्ज सोल है तो बट ऑब्वियस की बात है किसको एड्सॉर्ब करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, तो NaCl में Na पॉजिटिव को यह एड्सॉर्ब करेगा, क्लियर। और ये जैसे ही एड्सॉर्ब करेगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो गई बात, इसी को कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन में कोलाइडल पार्टिकल्स जो थे दूर दूर थे, क्यों दूर दूर थे, क्योंकि उनके बीच में नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज था जिनको पास नहीं आने दे रहा था। तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से उसने पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ एड्सॉर्ब किया और न्यूट्रलाइज हो गया। अब जब न्यूट्रलाइज हो गया, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई चार्ज नहीं है तो आपस में मिल जाएंगे और बना देंगे क्या, प्रेसिपिटेट। यहां पर एक बात और बताता हूं मैं, एक नाम है हार्डी शुल्ज़ लॉ, अभी लिखवा दूंगा। उसने कहा था कि मान लो NaCl ना डालकर BaCl2 डाल दोगे तो यह ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहां पे Ba2+ आ रहा है जिसको न्यूट्रलाइज करेगा। सिमिलरली BaCl2 को अगर हम हटा दें और AlCl3 डाल दें तो AlCl3 सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसके पास Al3+ चार्ज है, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन पे, किसके आयन पे, इलेक्ट्रोलाइट के आयन पे, उतनी ज्यादा कोएगुलेशन जल्दी होगी, न्यूट्रलाइजेशन जल्दी होगी। तो यहां पर डेफिनेशन देखते हैं क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टूगेदर the collidal particles so as to change them into the large size particle which ultimately settle as precipitate. Clear हो गई बात, ठीक। Cause, when an electrolyte is added to a collidal solution, the particles of the sol
takes up the ions which are oppositively charged like Na plus or Ba2 plus or Al3 plus and thus get neutralized. The ion responsible for the neutralization of the charge, that means Na plus, on the collateral particle is called the coagulating ion or flocculating ion. ठीक है? The minimum amount of an electrolyte that must be added to 1 liter of a colloidal solution so as to bring about the complete coagulation is called coagulating value. अरे सर आपने तो पागल कर दिया, इतनी सारी डेफिनेशन. नहीं नहीं, दो तीन डेफिनेशन है, तुम्हें सिर्फ सिंपल बात क्या याद रखनी है, मेरी शक्ल देखो और मेरे को याद करने की, मेरे से याद करने की कोशिश करो. देखो बीकर है, बीकर के अंदर कोलाइडल सोल्यूशन है और कोलाइडल सोल्यूशन हो सकता है नेगेटिवली चार्ज हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हो, जिसकी वजह से ये लोग दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे है. तुमने ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट डालने पर अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज सोल है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ एड्जॉर्ब कर लेगा और जैसे ही एड्जॉर्ब कर लेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो लार्ज साइज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और इसी चीज को कोएगुलेशन कहते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल्स इनटू द प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? खत्म. अब वो आयन जो रिस्पॉन्सिबल है कोएगुलेशन कराने में उसको कोएगुलेटिंग या फ्लॉक्युलेटिंग आयन कहते हैं. और यहां पर हमने जो एक वर्ड बोला था हार्डी शुल्ज लॉ, आओ अब उसको देखते हैं. लेकिन उससे पहले ये सारी डेफिनेशन आप नोट करें. तो बच्चों अपने हार्डी शुल्ज लॉ ने यही बात बोली जो मैंने आपको यहां पे सिखाई कि अगर बीकर में कोई नेगेटिवली चार्ज सॉल है और आप एक इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास देखो वेरियस ऑप्शन है एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट डालने में जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैटायंस हों, तो अलग अलग कैटायन की अलग अलग कोएगुलेटिंग पावर होगी, न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होगी. क्यों? ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है? ये चार्ज पे डिपेंड कर रही है, वैलेंसी पे डिपेंड कर रही है. जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, यानी कि उतना ज्यादा कोएगुलेशन होगा, उतना जल्दी कोएगुलेशन होगा. तो यहां पर अगर मैं तीन एग्जांपल लिया हूं NaCl, BaCl2, AlCl3, तो उसमें AlCl3 इज द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इन तीन में, क्योंकि Al के ऊपर 3 प्लस का पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 2 प्लस का और इसमें प्लस 1 का. More the charge on the coagulating ion, more will be the coagulation. That is what the Hardy-Schultz law told about. So the ions carrying the charge opposite to that on soul particles are effective in causing the coagulation of the soul. It's the first statement of the Hardy-Schultz law. And the second and the most important thing is, greater is the valency of the coagulating ion, greater is its power to bring about coagulation. NEET और JEE में एक question आ चुका है ये वाला कि FeOH होल क्यूब करके एक सॉल है और चार ऑप्शन थे, बताना था कि कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन ज्यादा कोएगुलेशन कर पाएगा अकॉर्डिंग टू हार्डी शुल्ज लॉ. तो एक में जैसे ये दिया हुआ था, एक में ये दिया हुआ था, एक में ये दिया था, एक में अब मुझे परफेक्टली याद नहीं है, हम मान लेते हैं सल्फेट दिया था. तो देखो बच्चों ऐसा है, अभी मैंने एक डेफिनेशन पहले आपको नेगेटिवली चार्ज सोल और पॉजिटिव चार्ज सोल के एग्जांपल्स याद करने को कहे हैं. क्यों कहे हैं? शायद आपको रीजन समझ में आ गया होगा. अब आपको अगर यही नहीं पता होगा कि FeOH होल क्यूब एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो आप आंसर सही कैसे मार्क करोगे? फिर आप आंसर Al3+ भी तो मार्क कर सकते हो, लेकिन सिंस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज सोल तो ये इलेक्ट्रोलाइट में से कौन से पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज द नेगेटिव पार्ट. अब नेगेटिव में सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है? 4 माइनस, 3 माइनस, 2 माइनस, 4 माइनस, मैग्नीट्यूड ज्यादा है. तो ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन. यानी कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज ए. समझ में आ गया? पक्का? अब आइए कुछ अद्भुत क्वेश्चन से मिलते हैं. सरफेस केमिस्ट्री में कुछ कभी कभार अजीब से रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कोलाइड्स. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स. मैंने दो तीन एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करी है. बेटा हर क्वेश्चन में एक ही फंडा लगना है कि कोएगुलेशन अकर हो जाएगा.
न्यूट्रलाइजेशन अगर हो जाएगा इसलिए वो चीज होगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है, व्हाई डज ब्लीडिंग स्टॉप बाय रबिंग मॉइस्ट एलम। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो देखना ये तीन क्वेश्चन अक्सर पाओगे। तो क्या है, व्हाई डज ब्लीडिंग स्टॉप बाय रबिंग मॉइस्ट एलम। तो ब्लड है नेगेटिवली चार्ज सोल, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। हीमोग्लोबिन था पॉजिटिवली चार्ज सोल, ब्लड है नेगेटिवली चार्ज सोल। एलम K2SO4 L2SO4 होल क्यूब डॉट 24H2O पोटैश एलम का फॉर्मूला लिखा है। इसमें से जब आप एलम को ब्लड के ऊपर रब करोगे तो कोएगुलेशन में क्या होता था, कोएगुलेशन में होता था कि जो सोल होता था वो इलेक्ट्रोलाइट में से, यहां पे एलम जो है इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट में से यहां से सबसे ज्यादा इफेक्टिव आयन कोएगुलेटिंग आयन Al3+ है, K+ भी है Al3+ भी है। नेगेटिवली चार्ज सोल को जो अच्छे से कोएगुलेट कर पाएगा, न्यूट्रलाइज कर पाएगा अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्ज़ लॉ इज Al3+। तो Al3+ पार्टिसिपेट करेगा, ब्लड को कोएगुलेट कर देगा और आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी, फिनिश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नजर में, बढ़िया क्वेश्चन है। सिमिलरली बेटा, व्हाई डज लेदर गेट्स हार्डन आफ्टर टैनिंग। भाई टैनिंग का मतलब ही यही है कि लेदर का लेदर को हार्ड करने का प्रोसीजर। तो जो एनिमल हाइड्स होती हैं स्किन, वो कोलाइडल नेचर की होती है और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। दो तीन एग्जांपल के अगर मान लो आपको अचानक से एक नया क्वेश्चन मिल जाए और आप भूल जाओ कि वो पॉजिटिव चार्ज सोल था कि नेगेटिव चार्ज सोल था, तो बच्चों मैं एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, करोगे? वो ट्रिक ये है कि आपको ये वर्ड लिखना है, की वर्ड, कि ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में से अपोजिटिवली चार्ज आयन उस चीज को कोगुलेट कर रहा है, एंड सिंस कोगुलेशन इज अकरिंग दैट्स वाई ब्लीडिंग स्टॉप होगी, दैट्स वाई लेदर हार्ड होगा। लेकिन अगर आप याद कर ले सकते हो कि वो पॉजिटिव चार्ज सोल होता है, वो नेगेटिव चार्ज सोल होता है, तो भैया दी बेस्ट है। क्योंकि अगर आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सोल मेंशन नहीं करते हो तो हो सकता है आधा नंबर कटे। लेकिन उस ट्रिक से जो मैंने ट्रिक बताई, क्या ट्रिक बताई, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रीजनिंग क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से कि आपको कहे कि फलानी चीज ऐड करने से उस फलानी चीज में ये हो रहा है, तो आपको क्या दिमाग लगाना है, आप कहना ये फलानी चीज, ये सोल चार्ज पार्टिकल है, इसके पास कोई चार्ज होगा और इलेक्ट्रोलाइट से अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और कोएगुलेट हो जाएगा, इसलिए ये चीज हो रही है, ठीक है। जैसे एनिमल हाइड्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब हम टैनिंग करते हैं या टैनिन में नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को सोक लेते हैं और कोगुलेशन अकर हो जाता है या न्यूट्रलाइजेशन अकर हो जाता है। एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर एंड कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, टैनिन कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। व्हेन हाइड इज सोक्ड इन टैनिन, देयर म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस एंड लेदर बिकम्स हार्ड। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और याद आया, कहा जाता है कि आर्टिफिशियल रेन उत्पन्न होती है अगर आप क्लाउड्स में AGI को स्प्रे करें। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दैट हाउ डज द आर्टिफिशियल रेन्स कैन बी कॉज्ड व्हेन AGI इज स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड ऑन द क्लाउड्स। सो बेसिकली क्लाउड्स कंटेन्स द वॉटर पार्टिकल्स विच आर द चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। अब वो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स AGI में से, अब देखो हमें नहीं पता कि वॉटर के अंदर या क्लाउड्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज सोल है कि नेगेटिव चार्ज सोल है, तो मैं अपने आंसर को इतने स्मार्ट तरीके से लिखूंगा कि एग्जामिनर को मुझे नंबर देना पड़ेगा। मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि क्लाउड्स के अंदर कोलाइडल सोल है विच कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स एंड फ्रॉम AGI विच इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोलाइट दे विल अट्रैक्ट दी अपोजिटिवली चार्ज आयंस एंड दी म्यूचुअल कोएगुलेशन विल अकर। So now the water droplets present in the cloud does not contain any charged particles and they will not repel each other. Thus they become neutralized, they become coagulated and they fall in the form of the rain. Clear हुई बात है ना, संटाक एकदम। तो बच्चों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफी मेहनत लगती है इन वीडियोज को, इस कंटेंट को बनाने के लिए। So next, why are some medicines more effective in the colloidal form?
बिकॉज ऑफ लार्जर सर्फेस एरिया, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, यहां पे भी देख लो, बिकॉज ऑफ लार्जर सर्फेस एरिया ड्यू टू विच दे आर इजिली एसिमिलेटेड. सो बच्चों, हेयर वी एंड द पार्ट टू ऑफ द सर्फेस केमिस्ट्री इन विच वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट कोलाइड्स. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर. बाय सागर वर्जातिया, टाटा, टेक केयर, बाय बाय.